हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछिए, जो अप्रोच था जिनके साथ थे उनके साथ जो अप्रोच था, आप सोच ना लीजिए भाई, तीन में दो अलग ना हो गए। तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सब सब पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही, सबके मन में था नहीं तो फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक सर, वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? और मोदी जी के बीजेपी में क्या अंतर? साहब आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना मैंने मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है। और बात में तो मैं सबका, मैं आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते हैं कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए, और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। आ एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए, और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए, पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। मोदी जी क्या हमको, देखिए हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होंगे आप? नहीं नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता। लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना नरेंद्र मोदी जी को रोक।